आ जाइए, लाल पीले मीठे आम, लाल पीले मीठे आम, आ जाइए फटाफट हमारे हमारे पास आइए, बहुत मीठे मीठे लाल पिलोटे आम मिलेंगे हमारे पास। आ जाइए भाइयों और बहनों, आ जाइए, हमारे पास इतना मीठा आम मिलेगा किसी के पास नहीं मिलेगा, ना तो किसी लालू के पास मिलेगा, ना ही राहुल के पास मिलेगा, ना ही मोदी जी के पास मिलेगा। अगर मीठा आम खाना है तो हमारे पास भाइयों और बहनों फटाफट आ जाइए मेरे पास, इतने अच्छे आम आपको कहीं नहीं मिलने वाले, बिल्कुल चीनी से भरपूर आम है, बहुत मीठा आम, इतना मीठा कि आप तो खा करके यही कहोगे ये तो मलियाबाद की दशहरी फेल हो गई, इतना अच्छा हमारे यहाँ का आम है, बिल्कुल देसी पेड़ का पका आम है हमारे पास, और किसी के पास ऐसा आम नहीं मिलेगा। अरे भाइयों हमारे पास आओ, हमारे पास बहुत ही अच्छा आम मिलेगा, मेरा देसी आम ये खा करके तुम कहोगे कि बहुत मजा आया, क्योंकि मैं डाल का पका आम बेचता हूँ और सभी के जैसे चीनी वाले आम नहीं बेचता हूँ, मैं चीनी बिल्कुल नहीं डालता हूँ इसमें, क्योंकि मैं डाल का पका देता हूँ एकदम देसी आम। मलिया आंध का दशहरी फेल हो गई, अभी आम देख करके बहुत लोगों के मुँह में पानी भी आ जाता है, अब शुगर फ्री मेरे पास और मीठा भी है, मैं तो भैया झूठ नहीं बोलता, मैंने तो भैया कभी झूठ नहीं बोला कि आम में चीनी मिला दूं, अब बताओ कोई चीनी मिला के बेच रहा तो हमारी क्या गलती है, हमारे यहाँ सबसे अच्छा आम मिलेगा, जो भी ले जाना चाहता है ले जाए हमारे पास, आइए हमारे पास आइए और चख के ले जाइए, मजा ना आए तो पैसे मत देना। अरे भैया आइए आइए, सब लोग तो अपने आंबों आंबों की बड़ाई कर रहे हैं, हमारा आम सबसे अलग है, एकदम सफेद आम, हम आम काट कर पहले खिलाते हैं और खा करके तब ले जाइए, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, सब लोग बोलते रहो जितना बोल पाओ, लेकिन मेरा चार आम बचाए और सब बिक चुका है। भाइयों लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। चलिए भाइयों और बहनों फटाफट यहाँ पे मदारी का खेल दिखाने जा रहा हूँ मैं, इस खेल में इतना अच्छा खेल है कि हमारे गली मोहल्ले के लोग काफ़ी मनोरंजन ले लेंगे आज, तो आइए कौन सा खेल दिखाएं, आप लोग जैसा खेल बताएंगे वैसा हम खेल मदारी वाले वैसा ही खेल दिखाएंगे। हमारे योगी जी ने देख लो बंदरों का कपड़ा पहन लिया है अभी, और बंदर का कपड़ा पहन करके इतना अच्छा कमाल दिखाने वाले हैं कि यहाँ की जनता केवल एक ही नाम रटेगी, एक ही नाम रटेगी। तो फटाफट बताओ भाई और बहनों कौन सा खेल हम दिखाएं, फटाफट कौन सा खेल दिखाएं, जल्दी से बताइए मुझे। अरे मोदी चाचा कुछ दिखा दो हमको, कुछ अच्छा सा खेल दिखाओ, क्योंकि मैं मदारी का खेल बचपन से मुझे पसंद है, ऐसा खेल मैंने कभी देखा नहीं था, आज मैंने देखा गांव में मदारी वाला आ गया, तो ऐसा करिए कोई ऐसा मनोरंजन वाला खेल दिखाइए जो देखने में मौज आ जाए, मैं यही चाहता हूँ इतनी सी बात। और एक बात मैं बताऊँ, कल एक मदारी आया था मदारी दिखाने के लिए, तो हमारे गाँव में सांप से उसने सांप सीढ़ी बना दिया, अब बताओ कोई ऐसा कर सकता है क्या, देख करके पूरी जनता ने 10-10 रुपये निकाल करके दिया, उसके पास 5,000 रुपये हो गए, उसने 5,000 रुपये का घोड़ा बना दिया, अब बताइए कितने कमाल का खेल था, ऐसा खेल अगर आप भी दिखा सकते हो तो बताओ। देखो योगी जी कौन सा खेल आप दिखाने वाले हो, कौन सा जादूगर दिखाने वाले हो, जादूगर हमारे गाँव में पहली बार आया, अभी तक मदारी आते थे, ये बता दो कौन कौन से दिखा सकते हो तुम, अगर दिखा सकते हो तो अच्छा खासा दिखाओ हमको। अरे चलिए मोदी जी अपना जमरु गमागम बजाइए और मैं अपना डांस और अपना कला दिखाता हूँ यहाँ पे जनता के बीच में, मेरा कला देख करके सारी जनता हैरान हो सकती है क्योंकि मैं ऐसा कला दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने ऑटोमेटिक अपना बंदरों का कपड़ा मैंने अपने शरीर पे लगा लिया, और शरीर पे लगा करके मैं कुछ भी कला दिखा सकता हूँ, वैसे मेरा नाम सबसे अलग नहीं है, मैं कोई भी कला कोई भी जादू सब कुछ दिखा सकता हूँ, मेहमानों और सब काम कर सकता हूँ। भाई लोग वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अरे वाह क्या मीठे मीठे आम लेके जा रहे हो तुम, और साथ में टोकरा भर के कच्चे आम भी लेके जा रहे हो, तो इस कच्चे आम में से मेरे झोली में डाल दो बेटा तुम कम से कम 5 किलो आम, और जो पीले पीले मीठे मीठे आम है राहुल ऐसा करो इसको भी 2-4 किलो डाल दो, मैं सिर्फ बात देता हूँ तुम्हें, तुम्हारा सारा का सारा आम आज बिक जाएगा और तुम चारों लोगों को अच्छा सा अच्छा आमदनी हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है अगर मुझे आम देते हो तो, मैं जिसको भी आज तक आशीर्वाद दिया उसका सारा काम हो गया। चलो बेटा राहुल फटाफट निकालो, बाबा तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, फटाफट निकालो।
अरे वाह योगी चचा, तुमने तो बहुत बड़ा दांव खेलने की कोशिश किया। मैं तो भैया किसी को आम वाम नहीं देता हूँ, अभी बताओ बगीचे से लेकर के पकाया भी नहीं और तुम पहले ही मांगने आ गए। अरे कम से कम ये तो सोचते कि आम को पक तो जाने दो, आम जब पकेगा तभी तो मैं खिला पाऊंगा। इस आम का मैं अकेले थोड़ी हकदार हूँ, यहाँ पे लालू जी भी इसके हकदार हैं, मोदी चचा भी हैं और यहाँ अखिलेश भी हैं, इतने सारे यहाँ पे साझेदार हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें आम। अगर आम लेना ही है तो मोदी जी से बात करना पड़ेगा। अरे क्या कहते हो मोदी जी, ये आम मांग रहे हैं इतनी देर से कि आम मुझे चाहिए। मोदी जी तुम बताओ, वो तो इनको दे देते हैं, बताओ बीच बीच में लोग मांगने फ्री में आ जाते हैं, मैं क्या करूं। मोदी चचा बताओ क्या करना चाहिए हम लोगों को। अरे देखो मैं बता देता हूँ भाइयों बहनों, मैं बता देता हूँ, आम मेरा अभी पका नहीं है, कच्चा आम है, तो कच्चा आम तो मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ, कच्चा आम तो बाबा लोगों को देना चाहिए नहीं। तो योगी जी आप ऐसा करिए, मेरे आम को पक जाने दीजिए, तब तक आप वेट करिए और उसके बाद मैं आपको 2 कैरेट आम, 50 किलो आम आपके घर अच्छे से पैकिंग करके भिजवा दूंगा। लेकिन अभी माफ़ करना, क्योंकि कच्चा आम टोकरे में भर करके लेके जा रहा हूँ, इतना मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके बीच में तुम मांगने आ जाते हो। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।